Good morning, students. In this very auspicious morning, last lecture में हम number system का बारे में discuss कर रहे थे, system of numbers. इसमें नंबर वन है नेचुरल नंबर्स, इट इज स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग. स्ट्रीम ऑफ नंबर्स में नंबर वन है नेचुरल आर 1 2 3 4 सो ऑन. नंबर सेकंड है होल नंबर्स. By W, the elements are 0, 1. क्या आपको दिख रहा है? कपड़े ऊपर डाल, नहीं तो होल नंबर्स 0 1 2 3 4. कैपिटल W. थर्ड है इंटीजर्स. दे आर डिनोटेड बाय I, कैपिटल I और Z. The elements are -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3... This is our the set of integers. Set of integers including positive integers means 1, 2, 3. Negative integers means -1, -2, -3. देखो. पॉजिटिव इंटीजर्स और नॉन नेगेटिव इंटीजर्स. बहुत से स्टूडेंट गलतफहमी कर लेते हैं कि ये दोनों सेम है. पॉजिटिव नंबर एंड नॉन नेगेटिव नंबर सेम नहीं होते हैं. पॉजिटिव नंबर्स मीन्स 1, 2, 3 एंड नॉन निगेटिव मीन्स 0, 1, 2, 3. पॉजिटिव और नॉन निगेटिव के बीच में 0 का फर्क आता है. नॉन निगेटिव इंटीजर्स मीन्स 0, 1, 2, 3. पॉजिटिव इंटीजर्स मीन्स 1, 2, 3 एंड नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स that is 0, -1, -2, -3 and so on. ये थोड़ा मैं उल्टा लिख रहा हूं. एंड सो ऑन -3, -2, -1. 0 is greater than -1. -1 is greater than -2. -2 is greater than -3. लेफ्ट साइड में नंबर कम होते जाते हैं और राइट साइड में नंबर्स इंक्रीज होते हैं. सो वी कैन नॉट राइट दिस वन. बेसिक्स एंड फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स में हमें इस कुछ चीजों के ऊपर, कुछ टर्म्स के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं जो विच आर वेरी इंपॉर्टेंट टू बिल्ड योर मैथमेटिक्स. स्टूडेंट्स नाउ वी डिस्कस अबाउट द इवन इंटीजर्स. Integers which are divisible by 2 are called even integers. Even integers means those are divisible by 2. For example,
0 plus or minus 2 plus or minus 4 and so on. These are even integers. Odd integers are plus or minus 1, plus or minus 3, plus or minus 5, plus or minus 7. These are odd integers. नेक्स्ट है नंबर्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं. आपका पूरा नंबर सिस्टम यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से बन रहा है. प्राइम नंबर्स द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय वन एंड इटसेल्फ. But one is not prime. जो number prime नहीं होते हैं उनको क्या कहते हैं? Composite number कहते हैं. The numbers that are not prime are called composite numbers. थोड़ा सा गूगल क्लासरूम में बहुत बढ़िया उसको पे करेंगे उसको परचेस करें. चवन सबसे बात मेरा नाम नाती वाली किस रहे अपने दोस्त. प्राइम नंबर्स नेचुरल नंबर विच आर डिविजिबल बाय वन एंड इटसेल्फ. Natural numbers divisible by one and itself only. Are prime numbers. For example, 2, 3, 5, 7, 1 is not prime. And 2 is even prime. टू एक ऐसा एकमात्र नंबर है जो इवन प्राइम है. अनदर टू इज इवन प्राइम है बाकी सभी प्राइम नंबर ये ऑड है. जो कि नेचुरल नंबर होते हैं प्राइम नंबर जिस नंबर का कोई भी फैक्टर नहीं होता है उसी को प्राइम नंबर कहते हैं. नेक्स्ट है कंपोजिट नंबर. जो नंबर प्राइम नहीं होते हैं उसे हम कंपोजिट कहते हैं. वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट. जो नंबर वन है वो प्राइम भी नहीं है और कंपोजिट भी नहीं है. That is universal factor. हर कोई नंबर का फैक्टर होता है वन. This is the beauty of mathematics. Composite number, let A be a natural number. A is said to be composite if it has at least three distinct factors. Let A be a natural number. Let A be a natural number. A said to be composite
A said to be composite if it has at least three distinct factors. It has at least three distinct factors. At least three distinct factors. For example, 10. 10 के three distinct factor कौन कौन से है? 1 into 2 into 5. One is neither prime, four is least composite number. सबसे छोटा composite number कौन है? 4. Next है co-prime numbers. Next definition है co-prime number. Two natural numbers are composite if their HCF is 1. अगर दो नंबर है वो दोनों भी प्राइम होना चाहिए ऐसा नहीं. Two natural numbers not necessarily prime. Two natural numbers not necessarily prime are co-prime. If their HCF, that is highest common factor, is 1. Two natural numbers are co-prime if their HCF, highest common factor, is 1. These co-prime numbers are also called as relatively prime. Co-prime numbers are also called as relatively prime. For example, 1, 2, 1, 3, 3, 4, 3, 10, 3, 8, 5, 6, 7, 8. 15, 16. अभी लास्ट नंबर देखो, दो लास्ट वाला 15, 16. ये दोनों भी नंबर नॉट प्राइम, दीज आर नॉट प्राइम. 15 भी कंपोजिट है क्योंकि 15 के फैक्टर्स 3 × 5 है, 16 के फैक्टर 4 × 4 है, 2 × 8 है. देयरफॉर दे आर irrespective of their common factors, there is a number only one whose HCF,
दोनों को डिविजिबल करने वाली हाईएस्ट नंबर HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर 1 है तो दो नंबर को हम को प्राइम नंबर कहते हैं. को प्राइम नंबर आल्सो कॉल्ड एज रिलेटिवली प्राइम नंबर. These numbers are also called as relatively prime numbers. These numbers are also called as relatively prime numbers. Two prime numbers are always co-prime, but converse need not be true. दो prime number co-prime होते हैं, लेकिन co-prime numbers prime ही हो सकते. It is not always true. क्या है उसका note देखो. Two prime numbers. Two prime numbers are always co-prime. But converse need not be true. Number dusra hai. Consecutive numbers are always co-prime numbers. Consecutive numbers means successive numbers. 2, 3, 15, 16, 21, 22. 25, 26, 39, 40. दो कंजिक्यूटिव नंबर्स ऑलवेज को प्राइम होते हैं. नेक्स्ट है ट्विन प्राइम नंबर्स. Twin prime numbers. If the difference between two prime numbers is 2, then the numbers are twin prime numbers. If the difference between two prime numbers is 2. If the difference between two prime numbers is 2, then the numbers are twin prime numbers. उसका एग्जांपल देखते हैं. ट्विन प्राइम नंबर्स आर 3, 5, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 29, 31. दीज आर ट्विन प्राइम नंबर्स. और एक इसमें ब्यूटीफुल बात यह है, इज डिविजिबल बाय 6. देखो स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट ऑफ मैथमेटिक्स.
दो है, दैट इज ऑलवेज डिविजिबल बाय सिक्स. सीयर यहाँ पे थ्री और फाइव के बीच में फोर है, फोर समझो सिक्स से छोटा है, लेकिन फाइव और सेवन के बीच में सिक्स है, इट इज डिविजिबल बाय सिक्स. 11 और 13 के बीच में 12 आता है, दैट इज डिविजिबल बाय 6. 17 और 19 के बीच में 18 आता है, इट इज डिविजिबल बाय 6. 29 31 के बीच में 6. आपको चेक करना है इट इज ट्रू फॉर ऑल नंबर्स और नॉट. नंबर बिटवीन twin prime numbers number between twin prime numbers is divisible by 6. Dear student, now we discuss the next number system, that is rational numbers. Integers, fractions, terminating decimal numbers, non-terminating but repeating decimal numbers are all natural numbers, are all rational numbers. See here, student, that what is the rational number? It is denoted by Q, integers. Fractions, terminating decimal number, non-terminating
but repeating. Decimal numbers. Are all rational numbers. Are all rational numbers. It is denoted by Q is the set of numbers P by Q, where PQ belongs to I and Q is not equals to zero. Note, integers are rational numbers, but converse need not be true. Integers are rational numbers, but converse need not be true. A rational number always exists between two distinct rational numbers. A rational number always exists between two distinct rational numbers. Hence, infinite rational numbers exist between two rational numbers. Hence, infinite rational numbers exist between two rational numbers. This is about the rational numbers, student. Basic definition of rational numbers is integers, fractions, terminating decimal numbers, non-terminating but repeating. Terminating means remainder zero, ana, that is terminating. Non-terminating is remainder zero nahi ana, always wo procedure chalte rehna, it is going on, but repeating. Jo decimal hota hai, repeat hota hai. But terminating ka aapko ek example deta hu, terminating decimal. Terminating decimal means 10 by 2, that is 2 5 are 10, 0 0. It is a 10 by 2 is a, it is a rational number, but it is terminating decimal means it is stop. Terminating but not repeating. Non-terminating but repeating. Non-terminating but repeating. That is 10 by 3. That is 3.3 bar. That is 3.3333. Kaisa aata 3.3333. We call it 3.3 bar. This is non-terminating but repeating. Is dono rational number, this P by Q ke form mein jo rational number hai, usse hum kehte hai rational numbers. These are the fractions. Now next, an irrational number, next definition.
irrational numbers. Non-terminating, non-repeating decimal numbers. Non-terminating, non-repeating. Decimal numbers. Are irrational number. Are irrational number. For example, root 2, root 5, root 3, cube root of 10, e, pi, e is an exponential, e kya hota hai, exponential, that is value of e is 2.71, approximate, ye approximate value hota hai, not equal. And pi, pi की भी approximate value ऐसे लिखते हैं, not equal but approximate, that is 3.14. These e and pi are two